हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी चैनल कलाश्री पे स्वागत है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप सबको समझ में आए कि इजी मेथड से ड्राइंग कैसे करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, कलर मिक्सिंग कैसे करना है। तो चलिए आज का ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको फेरी कैसे, यानी कि परी जो होती है वो कैसे ड्रॉ होती है वो आपको सिखाऊंगा, और उसमें कलर पेंसिल कलर करना है कैसे वो भी आपको सिखाऊंगा, और कलर स्केच पेन का यूज़ करेंगे आज। तो आज थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि पूरा वर्क कैसे होता है। अभी उसका फेस बनाने के लिए यहाँ पे सेंटर से आपको थोड़ा यू शेप ऐसे लेना है, थोड़ा मुंह उसका ऐसे नीचे की साइड से आगे की साइड थोड़ा झुका हुआ दिखाना है, ये साइड ऐसे से हम बनाएंगे। यहाँ पे उसके बाल, यहां से ऐसे हेयर रिबिन जो बांधी हुई हो वो दिखाना है। फिर यहां से ऐसे नीचे की साइड थोड़ा हल्का सा उसकी बॉडी बेंड रहेगी, आगे की साइड झुकी हुई है वैसे दिखाना है। फिर यहां से उसका पेट का पार्ट, ये पेट। अभी उसका यहां से पूरा फ्रॉक बनेगा, तो उसका आपको पहले हल्के से लाइटली मार्किंग कर देना है, और ये सब ऐसे राउंड कॉम में रहेगा इस टाइप का। तो आप सब में अभी पूरा कैसे मार्क करना है वो आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ऐसे राउंड को में सब। थोड़ा थोड़ा दो साइड से बाहर निकालना है आपको लाइन, आपको इसमें ज्यादा पार्ट करने हैं तो थोड़ा नजदीक नजदीक लाइन बना लीजिएगा। आपको क्या करना है, यहां से ये साइड ऐसे जॉइंट आएगा ये कोने पे, और फिर आपको यहां से ऐसे कर्व्स देने हैं, फिर वापस ये अंदर वाले पार्ट से बाहर वाले डॉट को जॉइंट कर लीजिए, फिर यहां से भी ऐसे ही। फिर अभी यहां पे उसका हाथ, उसके लिए आपको पहले स्लीव्स बना लेनी है ऐसे। अभी उसकी आईज, नोज, लिप्स वो सब आपको बनाने हैं। मुंह उसका ये साइड झुका हुआ है तो आईबॉल भी आपको ये साइड ही बनाने हैं। ये सब में आप डिजाइन वगैरह थोड़ा आपके हिसाब से आप बना सकते हो। यहां पे उसका हाथ, ये अंगूठा, फिर यहां से उसके दूसरी सब उंगलियां, ये ऐसे। अभी ये हाथ में छड़ी दिखाएंगे,
स्टार। स्टार कभी भी बना हो तो आप पहले ऐसे दो साइड ऐसे क्रॉस लाइन करनी है, फिर ए कैपिटल ए कैसे लिखते हैं वैसे ये लाइन, फिर ये डॉट से ये डॉट को आपको ज्वाइन करना है और ये डॉट से ये डॉट को ऐसे। अभी यहाँ पे नीचे उसके पैर बना देते हैं। पैर के लिए ये यहाँ पे अंगूठा और फिर बाद में ऐसे कर देना, फिर अंदर 1, 2 और 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, चार फिंगर हो जाएगी। दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है सेम, ये ऐसे, फिर इधर से ये जो है 1, 2, 3 लाइन ये ऐसे। अभी फेरी बना रहे हैं तो आपको उसकी पहले पंख तो बनानी ही पड़ेगी, तो वो जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऊपर के साइड, और दूसरा जो है वो यहाँ से इसके सामने तुरंत। आपको खास ये ध्यान रखना है कि उसके पंख जो है वो इक्वल साइज की हो, छोटी बड़ी नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ से दूसरी यहाँ से निकालेंगे, जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा लगेगा। फिर अभी यहाँ पे उसकी डिजाइन दे रहे हैं पंख भी। अभी ये साइड भी ऐसे ही सेम साइज आप खास देख लीजिए, जब मेंटेन करनी है उसकी। ज्यादा कंजेस्टेड भी आपको सर्कल नहीं बनाने हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे फ्रॉक में डिजाइन क्रिएट करने के लिए बस ऐसे ही सेम ऊपर यहाँ पे दे देता हूँ। फेरी तो पूरी ड्रॉ हो चुकी है। अभी बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, जो कलरफुल स्केच पेन है उससे सीधे स्टार बनाएंगे कलरफुल। तो चलिए अभी इसमें मैं पहले आपको बॉर्डर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। बॉर्डर हो चुकी है और उसके बाद आपको पूरे ड्राइंग पे लाइटली हल्के से यानी कि रबर से पूरा रब कर दीजिए, जिससे पेंसिल के मार्क निकल जाए और हमारा पूरा ड्राइंग नीट एंड क्लीन दिखे। अभी ये पूरा इरेज हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, कलरफुल स्केच पेन का आज यूज करने वाले हैं, जिससे हम बैकग्राउंड में डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे, उसके कपड़ों में थोड़ी डिजाइन बनाएंगे। तो आपको कलरिंग करने के पहले आपको ये सब डिज़ाइंस वगैरह का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद ही फिर आपको पेंसिल कलर से आपको कलर करने हैं। तो चलिए अभी पूरा पिक्चर मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। Thank you.
कलर स्केच पेन से ये जो डिज़ाइन बना हो वो थोड़ी आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी आपके हिसाब से ले सकते हो, तो इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।